हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी मुहावरे और अर्थ उनके वाक्य प्रयोग के साथ। बच्चे स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी विषयों में कई चीजें सीखते हैं और उन्हीं में मुहावरे भी शामिल हैं। ये सामान्य वाक्य से थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ विशेष अर्थ छिपे होते हैं जिन्हें बच्चों के साथ बड़े भी कई बार आसानी से समझ नहीं पाते। तो शुरू करते हैं। आज दिन का सांप मतलब दोस्त के रूप में दुश्मन। उदाहरण, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला आकाश आज दिन का सांप निकला। दफ्तर की जरूरी जानकारी वो बाहरी व्यक्तियों तक पहुंचाता रहा। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। उदाहरण, चोर बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब खुद की तारीफ करना। हर वक्त अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं होती है। पानी पानी हो जाना बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करना। टीचर ने जब रोहन को क्लास में सोते हुए पकड़ा तो रोहन शर्म से पानी पानी हो गया। काला अक्षर भैंस बराबर मींस अनपढ़। जैसे मोहन विद्वान था पर रमेश के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से को और ज्यादा भड़काना। जैसे जो अच्छे दोस्त होते हैं वो कभी भी आग में घी डालने का काम नहीं करते। अपने में ना होना मतलब जो होश में ना रहे, जिसको अपना कोई होश ना रहे। जैसे शराब पीने के बाद कई लोग अपने में नहीं होते हैं। गधे को बाप बनाना मतलब मूर्ख का आदर करना। उदाहरण, काम पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी दिल्ली दूर है मतलब काम में अभी और कसर बाकी है। जैसे प्रोजेक्ट तो कुछ हद तक तैयार हो चुका है लेकिन अभी दिल्ली दूर है। आसमान से गिरा खजूर में अटका मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। उदाहरण, मोहन जंगल में भालू से तो बच गया पर उसके सामने अचानक से शेर आ गया। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना। उदाहरण, दफ्तर में बॉस की खुशामद कर रमेश ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। फूले ना समाना मतलब अधिक खुशी का अनुभव। उदाहरण, आईआईटी में पास होने की खबर सुनकर मोहित फूला नहीं समा रहा था। आटे के साथ घुन भी पिसता है मतलब किसी दोषी के साथ निर्दोष का फंस जाना। उदाहरण, अब दोस्त गुनाह करेगा तो उसके साथी से भी तो पूछताछ होनी है। ऐसे मामलों में अक्सर आटे के साथ घुन भी पिसता है। छप्पड़ फाड़ कर देना मतलब बिना किसी मेहनत के बहुत कुछ मिल जाना।
उदाहरण, कभी कभी जब भगवान कृपा बरसाते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। छुपा रुस्तम, मतलब जिसका गुण हर किसी को पता ना हो। उदाहरण, हमेशा शांत रहने वाला वरुण छुपा रुस्तम निकला, स्कूल की सवाल जवाब प्रतियोगिता में प्रथम आ गया। जमीन आसमान एक करना, मतलब किसी चीज को पाने के लिए खूब प्रयास करना। उदाहरण, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए रमेश ने जमीन आसमान एक कर दिया। आप भले तो जग भला, मतलब जो व्यक्ति खुद अच्छा होता है उसके लिए सब अच्छे होते हैं। उदाहरण, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि आप भले तो जग भला। आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा होना। उदाहरण, हर माता पिता के लिए उनके बच्चे आंखों का तारा होते हैं। आंखों पर चढ़ना, मतलब पसंद ना आना। जब राम ने श्याम की बात नहीं मानी तब राम श्याम की आंखों पर चढ़ गया। आंख दिखाना, मतलब किसी को गुस्से से देखना। उदाहरण, ललिता का बेटा इतना बदमाश है कि वह आंख दिखाने से भी नहीं डरता है। ओके, धन्यवाद।